हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो पाइथन प्रोग्रामिंग को लेकर के है और पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर खास क्या है, आइए आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो हम यहाँ पर पाइथन को ओपन कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पाइथन को मैं ओपन करता हूँ, ये हमारी पाइथन की जो ट्रेडिशनल आईडी है उसे कर लेना है आपको भी ओपन, ठीक है। अब ये ओपन हो गया है, आप देख सकते हैं ये पाइथन प्रोग्रामिंग इस तरीके से ओपन हो गया है। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर आउटपुट प्रिडिक्ट करने के लिए आपसे पूछा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा आउटपुट प्रिडिक्शन के लिए, ठीक है। तो इस कंडीशन में आउटपुट प्रिडिक्शन कैसे करेंगे, एक क्वेश्चन एग्जांपल के तौर पर मैं दिखाता हूँ। अक्सर ही मैं इस तरह क्वेश्चन आपको दिखाता रहता हूँ पाइथन पे, ताकि आपको दिक्कत ना हो बोर्ड एग्जाम्स के लिए, ठीक है। और कहीं भी इंटरव्यूज के लिए जाते हैं तो भी आउटपुट प्रिडिक्शन में आपको कहीं से कोई दिक्कत ना आए, इसके लिए मैं पूरा प्रयास करता हूँ। देखिए, यहाँ पर एक्स में एक वैल्यू रखी गई है 5, ठीक है, और यहाँ पर व्हाइल लूप लगाया गया है, व्हाइल लूप लगा दिया। और यहाँ पर क्या कहा गया है, कंडीशन एक्स इज लेस देन इक्वल टू क्या कहा गया है, 5। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 5 दिया गया है और यहाँ पर कॉलन लगा करके एंटर। तो यहाँ पर अभी यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल टू इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, तो यहाँ पे एक्स इंटू 2 कर दिया गया और फिर एंटर करके जैसे ही नीचे आएंगे तो यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे एक्स को, तो ये लीजिए ये एक्स प्रिंट हो जाएगा। ऐसे में आउटपुट क्या आएगा, ऐसे में आउटपुट इसका क्या आना चाहिए, ये आपको प्रेडिक्शन करना है, ये आपको अनुमान लगा के बताना है, ये कॉपी पे ड्राई रन करने से होगा। समझ में आ रही बात। वैसे मैं आपको आउटपुट बता देता हूँ क्या आएगा, मैं यहाँ पे हैशटैग करके लिख भी देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है लेस देन इक्वल टू 5 और यहाँ पर दिया गया है एक्स इंटू 2। तो यहाँ पर x इंटू 2 जब हो जाएगा तो इसका आउटपुट मेरे हिसाब से 10 आना चाहिए। तो यहाँ पर मैं यहाँ पे हैशटैग करके 10 लिख देता हूँ और शायद इसका आउटपुट 10 ही आएगा। चलिए एक बार इसको चलाते हैं और फिर इसका आउटपुट जानते हैं कि इसका आउटपुट क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर F5 करता हूँ, एंटर करता हूँ, तो देखिए इसका आउटपुट क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि बात आपके समझ में आई होगी। इसी तरह का एक दूसरा क्वेश्चन उठा लेते हैं जो कि आउटपुट ही प्रिडिक्ट करने के लिए है, उसको भी लेते हैं और देखते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा। यहाँ पर फॉर लूप की बात करी जा रही है, तो यहाँ पर लिखा गया फॉर आई इन रेंज इस तरीके से, और यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन करिए, प्रिंट आई, ठीक है। ऐसे में आउटपुट क्या जनरेट होगा, ये आउटपुट 9 तक जनरेट हो जाएगा, जैसे कि आप जानते ही हैं। यहाँ पे देखिए, इसको मैं कर रहा हूँ, ये आउटपुट 0 से लेकर 9 तक जनरेट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है हमारे साथ, इसी के अंदर नीचे जो है व्हाइल लूप भी लगा दिया गया है, ठीक है। तो चलिए एक बार वाइल लूप भी यूज कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये लिखा वाइल, वाइल लिख दिया और फिर क्या है आगे, वाइल आई इज लेस देन 20, लेस देन 20 कर दिया, कॉलन लगाया, एंटर करके नीचे आए और यहां पर फिर प्रिंट आई किया गया है, यानी दो दो बार ऐसा किया गया है और F5 करके इसको चला दिया गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये 9 जो है कॉन्टिन्यूसली प्रिंट होता ही जाएगा, होता ही जाएगा, ये लूप चलता जाएगा। अब ये क्यों ऐसा हो रहा है, उसके पीछे का रीजन आपको बताता हूं। देखिए, यहां पर तो 1 0 से लेकर 9 तक ये प्रिंट करेगा, ठीक है, और फिर यहाँ वाइल लूप लगा दिया गया है। अभी क्या प्रिंट हो रहा है, 0 से लेकर 9 तक, लास्ट वैल्यू क्या है, 9 है, और यहां लिखा गया है आई इज लेस देन 20। अभी 0 से लेकर 9 तक ये प्रिंट किया है और लास्ट वैल्यू 9 है और आई क्या लेस है 20 से, तो आई को प्रिंट करा दीजिए। तो आई की लास्ट वैल्यू क्या है, 9 है और वो लेस है 20 से, तो बस आई को आप प्रिंट कराइए, यानी 9 को आप प्रिंट कराइए, क्योंकि लास्ट वैल्यू ही कंटेन करेगा ये। तो 9 9 9 9 ये प्रिंट होता जाएगा कंटिन्यूअसली, क्योंकि इसका ब्रेक पॉइंट नहीं है कि ये कहां रुकेगा, क्योंकि 9 तो एक ही वैल्यू है हमारे पास और वो तो हमेशा लेस ही रहेगा 20 से, इसीलिए आउटपुट केवल और केवल और केवल क्या आएगा, 9 ही आएगा। उम्मीद करता हूं कि बात आपको समझ में आई होगी। इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, ये पाइथन की सेल पर अक्सर पूछ लिया जाता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस बारे में कि इसका आउटपुट क्या आएगा। मैं आपको दिखाता हूं और आपके काफी सारे जो आपके मन में सवाल चल रहे हैं वो आसान हो जाएंगे इसको देखने के बाद। देखिए यहां पर क्या करना है, सबसे पहला काम आपको करना है, जैसे मान लीजिए ये लिखा है 10, ठीक है, तो 10 में प्लस किया गया है क्या, प्लस किया, अच्छा ये चीज ध्यान दीजिएगा कि इसको यहाँ पे नहीं करना, इसको सेल पे करना, पाइथन की सेल पे, पाइथन का जो होम पेज है यहाँ पे करना है, ठीक है, सीधा सीधा आउटपुट यहाँ पे आ जाएगा आपका। तो ये लिखा 10 प्लस 20, ठीक है, और फिर क्या करना है आपको, फिर यहाँ पर दो बार ये एस्टेक सिंबल दो बार देना है
और यहां पर इसको किससे यहां पे 3 कर देता हूं और फिर क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 2। अब देखिए ये जो दो बार मल्टीप्लाई का साइन लगा है इसका मतलब मल्टीप्लाई नहीं होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और यहां पर देखिए ये आंसर आ गया है। तो ये देखिए यहां पर ये 20 का जो है क्यूब निकाल रहा है, क्यूब ऐड कर दे रहा है, बस यही किया जा रहा है, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं कि बात आपके समझ में आ रही होगी, ठीक है, आसान है, समझ में भी आ जाएगा। और फिर एक और ले लेते हैं। अब यहां पर मैं क्या करता हूं, यहां से नई फाइल ले लेता हूं और एक और आपको दिखाता हूं यहां पे क्वेश्चन किस टाइप का है, इस तरह से आपका काफी सारा अभ्यास हो जाएगा। एक क्वेश्चन ये है कि फॉर आई इन रेंज RANGE और यहां पर ब्रैकेट को ओपन किया गया है और यहां पर तीन चीजें, जैसे मान लीजिए यहां पर 20 दे दिया गया, 20 से स्टार्टिंग है और 40 पे एंडिंग है, ध्यान दीजिएगा 20 से स्टार्टिंग है और 40 पे एंडिंग है और यहां तीन-तीन का स्टेप ले लिया गया, ठीक है, तीन-तीन का स्टेप ले लिया गया और यहां पर किसको प्रिंट करवा दिया गया, आई को प्रिंट करवा दिया गया, है ना। तो अभी ऐसे में क्या आएगा, 20 से स्टार्टिंग है यानी 20 21 22 ऐसे करके चलेगा लेकिन 3-3 का रहेगा गैपिंग। तो गैपिंग का मतलब यह है कि 20 रहेगा फिर 21 22 23 रहेगा, फिर 23 के बाद 24 नहीं रहेगा, 25 नहीं रहेगा, 26 रहेगा, ऐसे करके ये प्रिंट करेगा। तो चलिए एक बार चेक करते हैं ऐसे ही आ रहा है कि नहीं। पहले इसको सेव करते हैं किसी भी नाम से .py लगा करके, तो ये सेव हो गया। तो ये देखिए बिल्कुल वैसे ही आपके सामने प्रिंट करके दे रहा है, पहले 20 आ रहा है फिर 23 फिर 26 फिर 29 फिर 32 35 38 के बाद 40 से ये कम ही रहेगा जब भी रहेगा। तो इस तरह से आसानी के साथ आप आउटपुट प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक।